दोस्तों आज बिहार के राजनीति के ऊपर बात करते हैं थोड़ा। तो मैं हूँ बिहारी बॉय और आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के ऊपर। देखिए बिहार की राजनीति के ऊपर बात करना इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वहाँ की राजनीति ने बिहार को खा गया है। जैसे कि आपको पता होगा आज कल में न्यूज आया छपरा से निकल के कि वहाँ के एक जन प्रचार या बूथ पे थे तो उनको गोली मार दिया गया। अब मारा जो मारा मारा मगर उनकी हत्या हो गई। हत्या हो गई किस वजह से ये सोचिए आप कि वहां की एक राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करने के चक्कर में उनकी हत्या हो गई। देखिए दिक्कत क्या है ना, हत्या तो हो गई मगर मेरे को इतना पता है ना उसको कल करेट में उसका परिवार को कोई नहीं पूछे, जिसके लिए वो जान दे दिया उसको कोई पूछने वाला है उसको? ऐसी केस बिहार यूपी से ही निकल के क्यों आता है कि किसी पार्टी के लिए हम लोग जान दे देते हैं? अगर हम लोग को जान ही देना है तो अपने देश के लिए देंगे ना। एक चीज सोचिए, वो पार्टी आपकी काम नहीं आएगी, चाहे कोई भी हो, चाहे जिन्होंने मारा है या जो मरा है, पार्टी किसी की काम नहीं आती है। पार्टी आपको लड़वाना चाहती है, जिसको एमपी बनना होगा वो बनेगा और जिसको मुख्यमंत्री बनना होगा वो बनेगा। आप किसी के चक्कर में लड़के मर रहे हैं, अपना घर बर्बाद कर रहे हैं, ये चीज आप लोगों को कब समझ में आएगा? खास करके बिहार में, बिहार में इसलिए सब ज्यादा है क्योंकि वहां पे बेरोजगारी है। देखता है कि मेरे पार्टी वाले मेरे को 500 रुपए दे दिए एक दिन बूथ पे जाने के लिए, ले लो भाई चल दो। क्या मिला मारने वालों को या मरने वालों को? क्या मिला? कुछ मिला? जिसको जीतना होगा वो जीतेगा, जिसको हारना होगा वो हारेगा। मगर क्यों क्यों हम एक किसी पार्टी के चक्कर में अपना जान दे दें? क्यों? जिसके घर के आदमी का वो जान गया, क्या वो जान एक चुनाव से ज्यादा अहमियत रखता है? चुनाव की वजह से किसी का जान जाना चाहिए? चुनाव तो एक लोकतंत्र में लोकतंत्र है, मतलब हमारे देश में एक त्योहार की तरह उस दिन किसी का जान नहीं चला जाए। मतलब बहुत ही एक देखा जाए ना तो घटिया हरकत हमारे देश में कि किसी पार्टी के लिए जान दे देना। पार्टी ठीक है, पहले फैमिली आती है उसके बाद पार्टी आती है। इतना भी मत इन्वॉल्व हो जाए किसी पार्टी के चक्कर में अपना जान दे दीजिए। ठीक है कि चुनाव भर आपको पूछा जाएगा, चुनाव के बाद आपको कोई पूछने नहीं जाएगा, ना कोई नेता पूछने जाएगा, ना कोई सरकार आपको पूछने जाएगा। ये चीज कब बिहार के लोगों को समझ में आएगा मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। ऐसे जाके कूद पड़ते हैं जैसे लगता है कि यही एमपी या मुख्यमंत्री बनने वाले थे। कितना दिन के बाद मुख्यमंत्री एमपी बनने के बाद आपको पूछने जाते हैं गांव के लोगों को या अपने जितने बूथ पे लोग बैठे रहते हैं, कितना दिन पूछने जाते हैं कोई भी एमपी या मुख्यमंत्री? मैं क्यों क्यों लड़ना है आपस में? मैं लड़ेंगे, एक ट्रेंड बना दिए हैं, एक दिन बाप लड़ता था, एक दिन बेटा लड़ेगा, एक दिन परिवार लड़ेगा, यही चलेगा वहां पे। बाकी आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। बाकी जय जय भारत।